फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हेलो, कैसे हो आप सभी? मैं सोच रहा हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया हो गए. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वंस अगेन यू आर लिसनिंग टू सम टीचर एंड यू आर वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू डिलीवर समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू. हालांकि आपका और मेरा बहुत ही दूर का फासला है. आप तो इतने दूर है मुझसे और मैं भी आपसे बहुत दूर हूँ. लेकिन दूर हुआ तो क्या हुआ, तो हमें बात करनी है, हम जरूर करेंगे. दोस्तों, मैं मेरी पहचान करके देता हूँ. मैं हूँ डॉक्टर सतीश शेखर एंड आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी इन एजुकेशन, पर्टिकुलरली इन ड्रामा, एंड आई एम योर टीचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. तो बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन. ऑलरेडी यू नो द टर्म कम्युनिकेशन, लेकिन एक नया टर्म, एक नई कॉन्सेप्ट उसके साथ अटैच किए है. उसका नाम है बिजनेस. यानी दो लफ्ज इकट्ठा आते हैं और एक नया लफ्ज बन जाता है, नई टर्म बन जाती है और उसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन. हालांकि ये सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है. दिस इज वेरी ईजी सब्जेक्ट. एक्चुअली इट इज कंसर्न टू इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश लिटरेचर एंड अलॉन्ग विथ ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू टीच यू सम रियल थिंग्स रिगार्डिंग द बिजनेस कम्युनिकेशन. तो अभी ये मेरा पहला ही लेक्चर है. तो इस लेक्चर में मैं तो डायरेक्टली आई विल नॉट जम्प ऑन द टॉपिक और आई विल नॉट इवन शेयर एनी काइंड ऑफ टॉपिक फ्रॉम द प्रिस्क्राइब सिलेबस. तो फिर आज हम इस लेक्चर में करेंगे क्या दोस्तों? इस लेक्चर में हम उस बारे में बात करेंगे जिसको आपके लिए बहुत ही अहम है. आप कभी अभी अभी 12वीं कक्षा पास होकर आए हैं, एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज में एडमिशन भी आपने लिया है. थोड़ी सी बदकिस्मत है हमारी, कोरोना की वजह से हम तो आमने सामने फिलहाल तो नहीं आ सकते, लेकिन आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली वी विल कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड देन वी विल एंजॉय आवर नॉलेज, वी विल एंजॉय आवर कंपनी ऑफ ईच. जब हम एक दूसरे के सामने आएंगे, उस वक्त हम एक दूसरे का जो नॉलेज है, जो तजुर्बे है, जो अलग अलग बातें हैं, एक दूसरे से हम शेयर करेंगे और हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे. तो अभी इतने दूर से जितना भी पॉसिबल होगा, जितनी भी हमारी जो कैपेसिटी है, जो व्हाट एवर वी हैव स्टडीड इन आवर लाइफ एंड ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू शेयर विद यू सिस्टमेटिकली, आमने सामने होता तो मज़ा और आ जाता. कुछ भी हम बता सकते थे, लेकिन अभी आप सामने तो नहीं है, लेकिन आप सामने है ये इमेजिन करके हम टीचिंग कर रहे हैं. इतने बड़ा जादू है ये. हालांकि भी जब आप स्टूडेंट्स हमारे टीचर के सामने होते हैं, तो वो जो सिखाने का मज़ा होता है और आपका भी सीखने का मज़ा होता है, वो एक अलग ही होता है. लेकिन अब हम वी आर इमेजिनिंग दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी आर इवन ट्राइंग टू एंजॉय द सेम, टू टीच यू, टू गाइड यू, टू एंकर यू, टू गिव यू द शेप ऑफ अ पर्टिकुलर फिलॉसफी, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी. तो दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आपको कुछ अहम बातें बताने की कोशिश करने वाला हूँ. आप ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड योर 18 ईयर, मीन्स यू आर नाउ मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड. आप 18 साल के हो चुके हो. कुछ बच्चे अभी 18 से कम भी हो गए, लेकिन इन कमिंग फ्यू मंथ्स और डेज यू विल डेफिनेटली कंप्लीट योर 18 ईयर्स. एंड नाउ this is a time to find our way of the life, direction of the life. और यही एक particular वक्त है जिस वक्त में हम सोच सकते हैं कि हमें हमारे जिंदगी में बनना क्या है. और इसी मुताबिक मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ. एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस उम्र में ही हमें सोचने चाहिए कि हमें आगे बनना क्या है. वो अभी यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, दैट इज़ व्हाई यू माइट हैव डिसाइडेड टू बिकम सीए और सीएस
or to appear for some different kind of competitive examinations or GD and CEA, or to appear for the examinations of the banking, or some students might have decided to become good businessmen, or some students might have had the philosophy of making their life with doing some ideal work. कुछ भी आपने डिसाइड किया होगा या आप नहीं किया होगा तो आज हम इस वक्त डिसाइड करेंगे इसमें क्या बनना है और उसी मुताबिक हमारे जो आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर्स है उसकी जर्नी हम करेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर है FY BCom, इस फर्स्ट ईयर में हमारा जो ये है बेसिक पूरा जो भी हमें बनना है लाइफ में उसका बेसिक इसी साल पूरा होना ही है। होना यानी हमें मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत बहुत ही कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम हमारे एम तक, गोल तक या ड्रीम तक पहुँचेंगे नहीं। दोस्तों वक्त आपकी ड्रीम देखते होंगे, अलग अलग प्रकार के सपने देखते होंगे, अलग अलग प्रकार के ड्रीम्स डेकोरेट करते होंगे, लेकिन अब यह वक्त ऐसा है कि इस मोड़ पर खड़े रहकर हमें हमारे जिंदगी का अगला सफर तय करना है। यदि आज हम हमारा ये सफर तय करने में कामयाब नहीं हुए तो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में हम आज जहाँ है वहीं रह जाएंगे और उस जिंदगी में कोई मजा भी नहीं। तो अब तक 12वीं कक्षा तक आपने जो भी किया होगा, जो नहीं किया होगा वो तो सब कुछ छोड़ दें। आज आप 12वीं पास होकर यहाँ आ गए हैं FY BCom में। अब मैं ये भी आपको नहीं पूछूंगा कि आप FY BCom में कैसे आए हो या 12वीं कक्षा में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ये कुछ भी नहीं पूछूंगा। पूछने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने जो भी किया उसका फल आपको मिला ही होगा। अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, क्या एक्सपोज करना है, कौन से रास्ते से जाना है, ये सब कुछ हमें प्री प्लान करना है। और विदाउट प्लानिंग ही वॉक द वे दे कैनॉट रीच टू देयर गोल। जब तक हमारे सामने हमारी मंजिल नहीं है, तब तक हम उस आदमी की तरह है जो अंधा है, उसके हाथ में एक लकड़ी है और लकड़ी से वो आजू बाजू का रास्ता नाप रहा है, ढूंढ रहा है। और यही हमारी आज इस वक्त हालत है या होगी। तो अभी हमें क्या करना है, हमें बनना है ऐसा एक शख्स जो प्लानिंग के मुताबिक, यानी वी हैव टू मेक द प्लान ऑफ आवर लाइफ, वी हैव टू डिसाइड द एम ऑफ आवर लाइफ, वी हैव टू डिसाइड द गोल ऑफ आवर लाइफ and except deciding the aim or goal of the life, we cannot lead our life happily. जब तक आपके सामने आपकी मंजिल नहीं है, तब तक आपके कदम मंजिल तक नहीं चलेंगे, आपके कदम लड़खड़ाएंगे और आप कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। लेकिन जो भी हासिल करना है उस वो जो आपकी मंजिल है उसका प्लान अभी करना, अभी यानी इस वक्त। जब ये मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तब आप इत्मीनान से बैठिए और सोचिए कि आपको क्या बनना है, और पूरा आसमान खाली है आपके लिए, खाली आपके पंखों में जान चाहिए, आपके उड़ान की तैयारी चाहिए, आपने उड़ान की कोशिश करनी चाहिए, तो ही आप आसमान के उन तारों तक पहुंच सकते हैं जिन तारों का ख्वाब आपने देखा है। तो दोस्तों वंस अगेन आई एम गोइंग टू इम्पोज ऑन यू टू मेक द प्लान ऑफ द लाइफ। जब तक आप प्लान नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हासिल होगा, क्योंकि प्लान लीड्स यू टू द प्लेन। और प्लानिंग एक बहुत ही जरूरत होती है, जरूरी चीज है। कोई भी आर्टिस्ट आर्किटेक्ट के बारे में आप देखो या सोचो, कोई भी इंजीनियर के बारे में सोचो, ये जो आर्किटेक्ट होते हैं बिल्डिंग बनाने वाले या जो भी इंजीनियर होते हैं, ये लोग पहले जो भी बनाना है उसका प्लान करते हैं। और आज तो हमें हमारी जिंदगी का प्लान करना है। यू जस्ट डिसाइड दैट यू हैव टू लिव दीज एंड दीज डेज, these and these years, and you have to make the plan, and in that plan
there will be the good target, good aim, good object, good ambition. जब तक आप सही सही प्लानिंग नहीं बनाते, जब तक आप सही सही एम्बिशन नहीं तय करते, तब तक ना प्लानिंग बनाओगे, प्रॉपरली प्लानिंग बना सकोगे, ना आप उस मंजिल तक पहुँच सकोगे. तो द फर्स्ट थिंग विच आई शेयर्ड विद यू वाज टू मेक द प्लान ऑफ योर लाइफ, एंड द सेकंड थिंग आई जस्ट कम्युनिकेटेड विद दैट टू डिसाइड योर गोल. जब तक आप गोल डिसाइड नहीं करोगे, जब तक आप एम्बिशन नहीं डिसाइड करोगे, तब तक आप वहाँ तक पहुँचोगे नहीं. और आज इस वक्त मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ आपके बारे में. दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना शक्ल से ना अकल से. यानी आप बहुत ही अलग किस्म के स्टूडेंट हैं. आपकी जो ये डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, जो विविधता है, जो अलगपन है, ये क्या है अलगपन, वो आपको ही आइडेंटिफाई करना है. यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बच्चा है जिसको 12वीं कक्षा में 90% मार्क्स आए, यानी वो बहुत ही टैलेंट है, और जो बच्चा जस्ट ही हैज गॉट 50% मार्क्स और लेस देन 50 मार्क्स, दैट स्टूडेंट इज नॉट द टैलेंट स्टूडेंट एंड ही कैन नॉट मेक द लाइफ. ऐसा कुछ भी नहीं होता. जो कागज पे मार्क्स आते हैं, वो मार्क्स आपकी अकल कितनी है ये नहीं डिसाइड कर सकते. आपके शक्ल पे क्या लिखा है ये भी नहीं तय कर सकते. वो तय करते हैं खाली आपके जज्बे, खाली आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपकी आपका जज्बा, आपकी कोशिश, आपके प्रयत्न. तो ये सब बातें हमें सीखनी है. You will talk that you are just talking in Hindi, neither you using in English or Marathi. Actually, I know that a lot of students who are listening to me are from Marathi medium, some are from English medium, some are from Urdu medium. But I know many of you are able to understand Hindi, that is why I am using Hindi a lot. But in next lectures, it will be impossible for me to use English, Hindi. Instead of Hindi, I will use almost 70% English and 30% Hindi. Without combination of these two languages, I don't know whether how much I will reach to you. I don't want just to reach to you. I want to reach to your heart, so that it will be possible for me to make the house of myself in your heart, so that I may guide you properly and lead you to the proper place, lead you to such type of ambition which will brighten you, shine you and lead you to the success. So, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपको क्या करना है. आपको आपका ambition तय करना है. और ambition कुछ भी हो सकता है. मैं आपको बता देता हूँ, आप collector बन सकते हो. क्या कोई doubt है आपको आपके बारे में? मुझे तो बिल्कुल डाउट नहीं आपके बारे में. हाँ, मुझे पता है आप जरूर कलेक्टर बन सकते हो, आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो. यू कैन बिकम द डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक. पूरी इंडिया की जो रिजर्व बैंक है, उसके सबसे बड़े जो पदाधिकारी होते हैं, जो डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर भी आप बन सकते हो. इतना ही नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, चीफ मिनिस्टर बन सकते हो, प्रेसिडेंट बन सकते हो, बन सकते हो. मुझे पता है आपके पास वो काबिलियत है. आप इन सब चीज़ों के बारे में काबिलियत रखते हैं. आप काबिल हो. आप खुद को पूछिए. आप यू डोंट आस्क टू एनीबडी, नाइदर आस्क टू योर पेरेंट्स नॉर आस्क टू योर फ्रेंड्स द एबिलिटी ऑफ यू, द एलिजिबिलिटी ऑफ यू. यू जस्ट आस्क यूर सेल्फ हाउ मच एलिजिबल, आप कितने काबिल हो कौन सी भी पोस्ट एक्सेप्ट करने के लिए. आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हो. आप टाटा बन सकते हो, आप बिरला बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो. ओनली टू ब्रिंग दैट ड्रीम इन योर हेड, जस्ट परिकुलेट द ड्रीम इन योर हेड एंड द ड्रीम विल लीड यू टू योर एम्बिशन. तो ये एम्बिशन कैसा होना चाहिए? एम्बिशन बड़ा होना चाहिए. यदि आपने एम्बिशन रखा कि मैं पुलिस बन जाऊंगा, तो आप पुलिस को छोड़ो, कुछ सिपाही होते बन जाओगे. तो एम्बिशन कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए. अपने
आपके दिमाग में क्या है, आप लोगों को कितना आता है, आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आप कौन से बैकग्राउंड से आए हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं, शायद आपके माता पिता कोई रिक्शा चालक होगा, कोई रास्ते पे भाजी मंडी में भाजी सेल करता होगा, जो भी है इससे कोई मतलब नहीं होता। Let me tell you one simple and beautiful example which is very famous in all over India. A son of rickshaw driver Mr. Ansar Sheikh, who became IAS officer at the age of 21 years. उम्र के 21वें साल में अंसार शेख नाम का एक लड़का जो रिक्शा ड्राइवर का बेटा था वो IAS officer बन गया और आज हमारा पूरा देश संभाल रहा है। 21 साल का बेटा, आप 18 साल के हो और 3 साल के बाद आप भी 21 साल के बन जाओगे और आपके पास भी वो काबिलियत आएगी। लेकिन यदि आपने चाहा कि आप काबिल हो तो हो, यदि आपने सोचा कि आपके पास काबिलियत नहीं तो नहीं है। आपके सोचने पर ये सब कुछ डिपेंड है। आपने सोचा कि आप अच्छे हो तो हो, आपने सोचा आप बुरे हो तो हो, अरे आप आपके बारे में क्या सोचते हो वही मैटर करता है। हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ, यू जस्ट ट्रीट योर सेल्फ लाइक ए जेंटलमैन। आपको बार बार बताइए कि आप कॉमन आदमी नहीं हो, आप अनकॉमन हो। यू डोंट से योर सेल्फ दैट यू आर अबनॉर्मल, यू आर अनकॉमन। ये दो लफ्ज अंग्रेजी में बहुत ही डेंजर है, खतरनाक है। वन वर्ड इज अनकॉमन एंड अनदर वर्ड इज अबनॉर्मल। हम अबनॉर्मल नहीं है, हम अनकॉमन है। और जो लोग कॉमन होते हैं उन कॉमन लोगों को अनकॉमन लोग अबनॉर्मल लगते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज व्हाई द पीपल हु आर अराउंड अस ऑलवेज ब्लेम अस, ऑलवेज फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन योर बिहेवियर बट डिनाई देम, रिमूव ऑल द थिंग्स फ्रॉम योर फिलॉसफी, फ्रॉम योर आइडिया ऑफ द लाइफ एंड मेक योर ओन वे ऑफ द लाइफ। अंग्रेजी के एक बहुत ख्यातनाम कवि है, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कविता लिखी है। और उस कविता के माध्यम से वो बताते हैं कि दोस्तों आप जिंदगी का ऐसा रास्ता चुनो कि जिस रास्ते से कोई अब तक गुजरा नहीं है, यानी यू विल बी द फर्स्ट टू ऑफ बाय सच अ वे एंड द पीपल विल फॉलो यू। क्या आप फॉलोअर्स बनना चाहते हो या लीडर बनना चाहते हो, बताइए। आप तो मुझे बता नहीं सकते, लेकिन आप एटलीस्ट यू कैन आस्क योरसेल्फ दैट यू कैन बिकम द लीडर, यू हैव दैट एबिलिटी टू बी द लीडर। बट अनफॉर्चुनेटली द पीपल हु आर अराउंड अस ऑलवेज स्ट्रेस यू और स्टैम्प ऑन योर माइंड दैट यू आर नॉट द लीडर, यू आर द कॉमन पर्सन, यू आर जस्ट द फॉलोअर। Deny all that things and tell them that I'm uncommon person, I can make my life better and the owner of my life. जब तक आप आपके जिंदगी के मालिक नहीं बन जाते तब तक ये दुनिया आपको नौकरी देगी। तो क्या आपको नौकर होना है या मालिक होना है, बताइए, सोचिए क्या होना है आपको। What do you want to be, either slave or the owner? ओनर में तो मजा होता है। He is a man of making the decision, a man who can make the decision power. ऐसे ही आदमी जिसकी जरूरत है इस देश को, और आप में से वही लोग आगे आएंगे जो ये देश चलाएंगे। लेकिन जब तक आपके सपने जिंदा है तब तक आप ये सब कुछ कर सकते हो। यदि आपके सपने जिंदा नहीं हो तो आप खाली चलती फिरती लाशें हैं। तो समझ लो दोस्तों, हमें वो लोग नहीं बनना जिन्हें हम चलती फिरती लाशें कहते हैं, हमें वो बनना है। हम तो चलते फिरते सूरज है और हम जहाँ जाते हैं वहाँ रोशनी निर्माण करते हैं। मुझे पता है दोस्तों, बहुत दिन के बाद आप भी कुछ सुन रहे हो और मैं भी बहुत दिन के बाद कुछ सुन रहा हूँ, लेकिन ऑल दिस थिंग्स आर वेरी एसेंशियल एट द बिगिनिंग ऑफ यूर एंड द लेक्चर। द टॉपिक विच इज प्रिपेयर फॉर मी इज बिजनेस कम्युनिकेशन। वंस अगेन आई केम टू माई टॉपिक and while discussing all the issues regarding the topic, I'm just sharing some beautiful ideas about leading the life. So maine do cheeze pehle batayi thi, to pehla jo tha wo tha planning, dusra tha ambition. Ab main teesri cheez batane ja raha hu, aur wo teesri cheez hai to listen the voice of yourself. Andaruni awaaz suno, log kya kehte hain, deny
आपके घर वाले क्या कहते हैं? जी नहीं, आप क्या सोचते हो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन मी। और बहुत वक्त हम हमारे बारे में गलत सोचते हैं, तो वो जो गलत सोचना है वो गलत है। तो यू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, यानी आपको हर वक्त हर सिचुएशन में आपको आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचना है। और जब तक आप आपके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तब तक दुनिया, आपके आजू बाजू के लोग आपके बारे में कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। यानी यू आर द ओनर ऑफ योर लाइफ एंड यू हैव टू थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। ओके, सो थैंक्स। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल थिंग गिफ्टेड बाय द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। यदि ये लाइफ इतनी बेहतरीन है, इतनी खूबसूरत है, इतनी मजेदार है, तो ये लाइफ भी हमें इतनी हंसी खुशी से, इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से जीनी चाहिए। और ये हमारी जो लाइफ है, एक नगमा बनना चाहिए, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बनना चाहिए, ये एक हवा का झोंका बनना चाहिए। ये हमारा जो लाइफ है, किसी के लिए मिसाल बनना चाहिए। नहीं तो लोग सोचते हैं जब भी कोई रास्ते से जाता है और उसकी तरफ देखता है, अरे बोलते हैं क्या यार पागल कैसे जा रहा है। लोगों को क्या कहने कहने दो, लेकिन यू हैव टू मेक योर सेल्फ सच अ ब्राइट पर्सन सो दैट अदर पीपल और अदर विल फॉलो यू वेरी स्ट्रिक्टली। बाकी लोग आपको फॉलो करेंगे, कहेंगे अरे क्या था और क्या बन गया। इसलिए आप आज क्या हो, डोंट थिंक अबाउट इट, आप क्या बनना चाहते हो यही सोचिए। तो पहली बात है हमारा प्लानिंग, दूसरे बात है एम्बिशन, और तीसरे बात थी कि आपकी अंदरूनी आवाज आपको क्या कहती है और उसका सुधार करना। यदि आपके अंदरूनी आवाज आपको कहती होगी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ है। दुनिया में जिसने जिसने करिश्मे किए, उनके लिए भी वही सूरज था और हमारे लिए भी वही सूरज है जो हमें रोशनी दे रहा है। दुनिया में जिन जिन लोगों ने करिश्मे किए, उनके वक्त भी जो चांद था वही चांद आज है। तो हम क्यों नहीं कुछ अलग कर सकते, हम क्यों नहीं कुछ करिश्मा बना सकते। तो दोस्तों, वी आर सच अ लकी पर्सन हु आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन 21st सेंचुरी एंड अराउंड अस देयर आर लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल। हमारे आजू बाजू में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि जिसका हम सही सही इस्तेमाल करने से हम हमारी ज़िंदगी बेहतरीन बना सकते हैं, हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन सुरीला नगमा बन सकता है। लेकिन तब जब तक हम हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास टू व्हीलर है, हमारे पास फोर व्हीलर है, यदि ये सब कुछ भी नहीं है तो हमारे पास दिमाग है। और इतनी सारी चीज़ें होकर भी हम हर वक्त रोते रहते हैं। वी ऑलवेज ब्लेम टू अदर्स अबाउट आवर फेलियर, वी ब्लेम टू आवर पेरेंट्स, वी ब्लेम टू आवर टीचर्स, वी ब्लेम टू आवर फ्रेंड्स, बट वी डोंट ब्लेम टू आवर सेल्फ। यू ट्राई टू ब्लेम यूर सेल्फ अबाउट यूर फेल्यूर एंड ट्राई टू गिव द इम्पोर्टेंस टू अदर्स फॉर यूर सक्सेस, एंड फ्रॉम दैट थिंग यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड दैट थिंग विल लीड यू टू द सक्सेस। यही चीजें आपको आपकी जिंदगी बनाने का मौका देती है। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज डेलिब्रेटली मैं एक जो लेक्चर है इसे ओपन स्पेस में आकर दे रहा हूँ, ताकि आपका जो वो क्लास में चार दीवारें होती है, एक दरवाजा होता है, बहुत सारी खिड़कियाँ होती है, फैन होते हैं, आजू बाजू स्टूडेंट्स होते हैं, ये पूरा देखकर आपका मोनोटोनस फिलोसफी आइडियोलॉजी हो गया है पढ़ने का। लेकिन आज आप मेरे आजू बाजू में देखिए, आपको कुछ अलग ही महसूस हुआ होगा। खुले में मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ये जो खुली हवा है, ये खुला आसमान है, ये जो आजू बाजू के तैरने वाले जो पंछी है, कितना मज़ा आ रहा है। और जब ऐसा एटमॉस्फेयर पढ़ने होगा तो कितना मज़ा आएगा। और ज़िंदगी भी ऐसी ही है, ज़िंदगी एक गुलदस्ता है, ज़िंदगी एक नगमा है, ज़िंदगी खराब तो नहीं है, जवाब भी नहीं है, लेकिन हम ऐसी नशा क्रिएट कर सकते हैं जो नशा हमें हमारी जिंदगी में बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इट वॉज माई लेक्चर रिगार्डिंग द ओपनिंग आइडियाज ऑफ द टॉपिक, द सब्जेक्ट
business communication. So next lecture, once again, bring lot of new things, beautiful things for you, by which you will be very happy to listen to me, and even you will learn lot of beautiful things regarding not only the topic, not only the syllabus, but the things which will help you to lead your life from zero to hero. See, हमें अर्थ से लेकर आसमान तक जाना है, जमीन से लेकर आसमान जाना है, हमारे पंख मजबूत करने हैं, हमारे उड़ान, हमें इतनी बड़ी लंबी उड़ान, जिस उड़ान से हम हमारी हर फाइट पूरी कर सकते हैं, हर चीज पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मुझे इस पहले सेशन में, पहले लेक्चर में यही इजाज़त दीजिए, मैं फिर लौट कर आऊँगा कुछ अच्छे से आइडियाज लेकर, हमारे सिलेबस मिलकर, और हम साथ मिलकर ये सब कुछ एंजॉय करेंगे। और आपका सिलेबस भी दोस्तों बहुत बेहतरीन है, यू विल एंजॉय व्हाइल लर्निंग। बहुत वक्त ऐसा कम वक्त होता है कि आप पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ाई का कोई मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन ये जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बेशक आई प्रॉमिस यू, यू विल एंजॉय अ लॉट in this lecture, and even you will not only enjoy, but you will discover things which will help you lead the life. You will learn to fly in the sky, even you will dream to catch the stars. So wo main aapko sikhaunga. So dosto, ye lecture main yahan khatam kar raha hu, samapt kar raha hu, aur samapt karte waqt main yahi aapko keh raha hu ki jab tak aap mera daman pakad kar nahi chalte, तब तक मुझे पता नहीं आप कहाँ जाओगे, लेकिन इफ यू फॉलो मी, डेफिनेटली आई विल लीड यू टू द टॉप ऑफ द सक्सेस, पिक ऑफ द सक्सेस। आपको मैं डेफिनेटली सक्सेस के उस नज़ारे को दिखाऊंगा, जो नज़ारा आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा। धन्यवाद।